नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बजारों का के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बजारों का मैं आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और उनसे ये भी जानेंगे कि आज वह कौन सी कम्युनिटीज होंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। रूपा जी, कैसे सीट का दिसंबर वादा देख रहे हैं, 6550 पर कारोबार कर रहा है और 6574 का ही लगा चुका है। रूपा जी, आपको क्या लगता है अगर इन लेवल्स पर डेली क्लोजिंग आती है तो क्या कैसे सीट 6500 के भी ब्रेकआउट देकर 6600 का लेवल दिखला देगा इस हफ्ते? देखिए, कैस्टर सीट की अगर बात करें तो कैस्टर सीट में भी अभी बाजार जो है वो तेजी का ही है और अभी बाजार जो है थोड़ा रुक रुक कर बाजारों में अपसाइड बनता हुआ दिखाई दिया है हमें। और आप देखिए, आप 6500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो यहाँ से आप 6700 तक एक बार मानकर चल सकते हैं कि ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये 6500 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक तेजी बन सकती है और इसके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। यानी कि 6500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आना जरूरी है, तभी कैसे सीट की कीमतों में और अच्छी तेजी बनती नजर आ पाएगी। ये से रूपा जी देख रहे हैं, बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2527 पर कारोबार कर रहा है। रूपा जी, आज भी देख रहे हैं बिनौला खल में कंसोलिडेशन जारी है, आपकी तरफ से बिनौला खल में इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए, जहाँ तक बिनौला खल की बात है अखिलेश, बिनौला खल में भी तेजी का रुझान है। आज थोड़ा सा हल्की गिरावट है लेकिन मुझे काफी पॉजिटिव लगता है। यहाँ पर जनवरी वायदा और अगर फरवरी वायदा की बात करें तो बाइंग करके चले, आगे अच्छी तेजी बन सकती है और 2800 तक आप लंबे स्तर पर आप एक बार इसमें लेवल्स देख सकते हैं। जी, ये रूपा जी मसालों में बात करें अगर धनी की तो धनी का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 8890 पर कारोबार कर रहा है और 8930 का हाई लगा चुका है, 1% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं धनिए की मंडियों में धनिए की शॉर्टेज देखने को मिल रही है और जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी थोड़ा कम ही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह धनिए में 9000 के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे जिस हिसाब से धनिए में एक के बाद एक लगातार तेजी जारी है? देखिए, बिल्कुल धनिए में एक्सपेक्टेड है कि 9000 का स्तर देखने को मिल सकता है और धनिए में तेजी बन सकती है। जी, ये सर रूपा जी बात करें जीरे की तो जीरे का दिसंबर वादा देख रहे हैं 16270 पर कारोबार कर रहा है। रूपा जी, कल भी हमने जीरे में शानदार तेजी आती हुई देखी थी, इनफैक्ट 16600 के भी ऊपर के लेवल्स बनते नजर आए थे। आज देख रहे हैं कि थोड़ा नरमी है लेकिन लेवल्स अभी भी 16000 के ऊपर ही सस्टेन है। आपको क्या लगता है, क्या साल 2021 में 17000 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, कौन सी कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, एक बार दोबारा से जराइए। रूपा जी, जीरे में क्या साल 2021 के अंत तक 17000 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, अभी 17000 का लेवल थोड़ा सा, देखिए जनवरी में हो सकता है। आप 2021 की अगर बात करें तो डेफिनेटली उसमें एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है 17000 का स्तर। और जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि 16000 के ऊपर सस्टेन है मार्केट, तो जनवरी वायदा डेफिनेटली 17000 तक जा सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर हल्दी की तो हल्दी का दिसंबर वादा देख रहे हैं 7770 पर कारोबार कर रहा है और 7880 का हाई लगा चुका है, 1% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि बीते सत्र में हल्दी की में जो शाम के कारोबारी सत्र में तेजी निकली थी वो अभी भी जारी है, इनफैक्ट कल के मुकाबले और अच्छी तेजी बनती नजर आ चुकी है, 7800 के ऊपर का हाई लग चुका है। आपको क्या लगता है, क्या हल्दी में भी और तेजी देखने को मिल पाएगी, हल्दी में कैसा रुझान रहेगा आगे? देखिए, फिलहाल हल्दी के अंदर तेजी अब बनती जरूर बनी जरूर है लेकिन वही 7800 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए दिसंबर वायदा में। और 7800 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप 8000 से लेकर इसको 8500 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। वही अप्रैल वायदा की बात करें तो 9000 का स्तर आपको देखने को मिल सकता है। जी, रूपा जी कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार मूंग के बारे में आ रहा है, आपको क्या लगता है दलहन बाजार, चना बाजार और कैसा देखने को मिल पाएगा आगे जाके? देखिए, जहाँ तक दालों की बात है अखिलेश, दालों में अभी फिलहाल दबाव है, दालों के अंदर फिलहाल बहुत ज्यादा कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि चना मूंग में अभी फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है। जी, जी नजर डालें अगर ग्वार की कीमतों के ऊपर तो देख रहे हैं ग्वार गम और ग्वार सीड आज भी लाल निशान पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं, आज भी एक मंदी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है ग्वार में ये मंदी कब तक जारी रहेगी? देखिए, ग्वार में अभी जो मंदी है वो ऊपरी स्तरों से देखिए काफी लुढ़का है मार्केट और
आज भी बाजार गिरावट के साथ है, लेकिन 10,000 के ऊपर सस्टेन है तो मुझे लगता है कि वापस से बाउंस बैक आना चाहिए और तेजी बननी चाहिए। हो सकता है आपको ये वाला हफ्ता थोड़ा सा प्रेशर वाला देखने को मिले, नेक्स्ट वीक में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, कुछ ये जानना चाह रहे हैं कि जो सरसों बैन हो रखी है वो कब तक खुल सकती है, कुछ ये भी जानना चाह रहे हैं कि सरसों की कीमतें आगे कैसी रह सकती हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं फिजिकल मंडियों में 9,000 के ऊपर सरसों दाना बिकता नजर आ रहा है और स्टॉक भी कम ही है इस बार, मंडियों में आवकें भी कम होती हुई नजर आ रही हैं लगातार, तो ऐसे में जब तक नई सरसों नहीं आ जाती क्या तब तक सरसों में और भी अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अभी सरसों के अंदर तेजी बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है और जिस तरीके से मार्केट के अंदर अभी अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है हाजिर के अंदर, उसके चलते अभी अपसाइड मोमेंटम है, लेकिन सरसों कब वायदा शुरू होगा ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी इसके लेके कोई क्लैरिटी नहीं है कि सरसों का वायदा कब शुरू होगा, लेकिन हाँ अभी ये है कि इसके अंदर तेजी बनी रह सकती है क्योंकि सोयाबीन भी वापिस से उठती हुई दिखाई दी और सरसों में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी बाजार जो है ऊपर जा सकते हैं, जो 9,000 के आसपास मंडियों में देखने को मिल रही है वो 9,500 तक से लेकर 9,800 का स्तर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। और आज भी सोयाबीन में अच्छी तेजी आई है, 4% का सर्किट आज भी हमने लगते हुए बाजारों में देखा है, तो अब एडिबल ऑयल पैक में वापस से मुझे लगता है कि ट्रेडर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं जिसके चलते बाइंग बनते हुए दिखाई दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है बिनौला खल करंट लेवल से क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चला जा सकता है, स्टॉक करके चला जा सकता है? देखिए सोयाबीन की अगर बात करें तो अखिलेश बिल्कुल इसके अंदर बिनौला खल को लेकर है, दर्शक जुड़े हमारे साथ जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है कि क्या करंट पोजीशन से लॉन्ग टर्म के लिए लंबी अवधि के लिए बिनौला खल को स्टॉक करके चलना सही रहेगा? देखिए बिल्कुल बिनौला खल को स्टॉक करके चल सकते हैं और एक्सपेक्टेड है 2,800 से 3,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी तो यानी कि बिनौला खल को स्टॉक करके चल सकते हैं, रूपा जी के अनुसार बिनौला खल की कीमतों में 2,800 से लेकर 3,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। रूपा जी बात करें यहां से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वादा देख रहे हैं 6,720 पर कारोबार कर रहा है, 6,730 का हाई लगा चुका है, 4.5% का ऊपरी सर्किट आज सुबह के कारोबारी सत्र में सोयाबीन की कीमतों में बनता नजर आ रहा है। रूपा जी इसी सोयाबीन को हमने नीचे में 5,100-5,200 तक भी जाते हुए देखा है और ऊपर में 10,000-11,000 तक के बिलेवल्स देखे हैं, अब देख रहे हैं सोयाबीन की कीमतों में एक बार फिर से तेजी लौटी है, आपको क्या लग रहा है क्या वाकई में सोयाबीन के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं या फिर सोयाबीन वायदा के अंदर सोयाबीन में स्पेकुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है उसकी वजह से सोयाबीन की कीमतें उछल रही हैं? देखिए अभी फंडामेंटल भी सपोर्टिव है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तेजी देखने को मिल रही है और जो क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हुई नजर आ रही हैं और अभी जिस तरीके से ट्रेडर्स एक्टिव हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मंडियों के अंदर माल नहीं आ रहा है बिकने के लिए, खरीदार है उसके अंदर लेकिन बिकवाल नहीं है, यानी फार्मर्स ने सोयाबीन अपने पास रोक कर रखी हुई है, वो इन स्तरों पर बेचना नहीं चाहते, उनको उम्मीद है कि एक बार फिर से सोयाबीन जो है वो 8,000 से लेकर 10,000 के स्तर छूता हुआ दिखाई देगा, इनफैक्ट कुछ तो और भी ज्यादा ऊपर की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो अभी फिलहाल जो बाजार है वो उसी का ट्रेंड फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं है मार्केट में, डिमांड बढ़ रही है इस वजह से प्राइसेस ऊपर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और अभी जो सोयाबीन का जो स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 7,000 के लेवल छू सकता है और 7,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आने पर हो सकता है आपको 7,800 से 8,000 का भी स्तर सोयाबीन के अंदर देखने को मिले, तो यानी कि अभी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सोयाबीन में तेजी है और यहां से सोयाबीन हो सकता है आपको 7,800 से 8,000 का स्तर छूती हुई दिखाई। रूपा जी खबर निकल के सामने आई कि सोयाबीन की जो क्रशिंग है वो कम देखने को मिल रही है क्योंकि मंडियों में माल ही अवेलेबल नहीं है सोयाबीन का, और दूसरा सरकार ने जो सोया खली का आयात किया था वो आयातित सोया खली इस समय मार्केट में ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है, हालांकि सरकार ने जो टारगेट लिया था वो 12,00,000 टन सोया खली का इंपोर्ट करने का लिया था जिसमें से 6,00,000 टन से ज्यादा का आयात हो चुका है, लेकिन वो 6,00,000 टन भी अभी पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाई है और मार्केट्स में अभी भी ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है। वहीं से रूपा जी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो पोल्ट्री उद्योग है उसका ये कहना है कि आयात की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए और सोयाबीन का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो वायदा बाजार है उस पर रोक लगानी चाहिए, उसको बैन किया जाने जिससे कि कीमतों में और तेजी ना आए। रूपा जी आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से पोल्ट्री उद्योग मांग कर रहा था कि
जो सोया खली है उसका आयात किया जाए, अभी आधी से ज्यादा ही हुई है, पूरी नहीं हुई है, तब भी मार्केट्स में माल मौजूद है ठीक ठाक मात्रा में, तो क्या पोल्ट्री उद्योग का ये कहना सही है कि और आयात किया जाए या फिर इसकी अवधि बढ़ा दी जाए? क्योंकि ऐसा करते हैं तो फिर सोयाबीन किसानों को काफी बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, और सोयाबीन किसान पहले से ही मौसम की मार और MSP से अपनी नीचे सोयाबीन फसल बेच चुके हैं। अभी अगर हम बात करें सोयाबीन इंपोर्ट की, तो देखिए पोल्ट्री इंडस्ट्री जरूर डिमांड कर रही है और वो अपनी जगह सही है क्योंकि उनको प्राइसेस महंगे प्राइसेस पर मिल रहा है, लेकिन फार्मर्स अपनी जगह सही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल इंपोर्ट को लेकर सरकार की तरफ से कोई डिसीजन आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि फार्मर पहले ही जो है उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाया है। काफी फार्मर्स ने जब देखिए अराइवल आने शुरू हुए तभी प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो गए, तो फार्मर्स को अभी इसका कोई अच्छा जो है वो बेनिफिट नहीं मिल पाया, और सरकार अभी मुझे नहीं लगता कि चाहेगी कि इंपोर्ट को बढ़ाया जाए जिससे फार्मर्स को नुकसान हो, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, और मुझे नहीं लगता ना ही अभी फिलहाल कोई सोयाबीन के बैन होने की ऐसी कोई खबरें हैं कि वायदा से उसको बैन कर दिया जाए जैसे सरसों को, क्योंकि सरसों के अंदर तो बहुत ज्यादा हमने उसमें स्पेकुलेशन आते हुए देख ली थी, और उसके बाद हमने देखा कि सोयाबीन लुढ़का उसके बाद, और अब सोयाबीन में थोड़ी बहुत जो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए एकदम से रैली नहीं आती दिखाई देगी, इसमें धीरे धीरे बाजार उठते हुए दिखाई देंगे और आपको एक कंसोलिडेशन फेस में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारा अभी इंपोर्ट को लेकर या बैन को लेकर फिलहाल ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली पोल्ट्री इंडस्ट्री डिमांड कर रही है ताकि उनको सस्ता मिल पाए, और फार्मर्स नहीं चाहेंगे कि उनकी जो क्रॉप है वो सस्ते में मार्केट में बिके, और अभी फिलहाल सरकार भी ये नहीं चाहेगी, और मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार इसके अंदर कोई इंटरफेयर करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्राइसेस अभी कोई बहुत ज्यादा बूस्टअप नहीं लिया है। 6,000 से 7,000 की रेंज तक अगर बने रहते हैं तो वो सस्टेनेबल है, और उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फिलहाल मूवमेंट आती हुई दिखाई नहीं देगी किसी की भी इंटरफेरेंस की। जी जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आया बिल्कुल अभी अभी, ये जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन 8,000 क्विंटल कब तक हो जाएगी, क्या साल 2021 के अंत तक सोयाबीन में ये लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए मे बी एक्सपेक्टेड है ये लेवल्स भी आ सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल मार्केट्स का थोड़ा सा अगर सिनेरियो बताऊं तो चाइना के अंदर इंपोर्ट्स को हमने जो यूएस से है इंपोर्ट्स वो गिरते हुए देखे हैं, 77% जो है वो गिरता हुआ दिखाई दिया है, 70% का इंपोर्ट जो है वो घटा है पिछले महीने। तो अभी मिक्स एंड मैच फिगर्स निकल कर आ रहे हैं जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम्स हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि 8,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। मिस्टर रूपा जी, बात करें अगर कपास की, तो कपास में हमने अच्छी रैली के बाद एक नरमी भी आते हुए देखी है, कीमतें 30,000-31,000 तक भी नीचे गई हैं, और ऊपर से जो चाइना है चाइना भी अपनी कॉटन की खरीदारी कर रहा है, बिकवाली कर रहा है, चाइना भी अपने कॉटन की सेलिंग कर रहा है चाइना में, और डोमेस्टिक लेवल पर इंडियन पर बात की जाए तो भारत में भी जो मिले हैं उनकी तरफ से कॉटन की अच्छी खासी डिमांड है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहां से अब कॉटन एक बार फिर से उठती हुई नजर आ पाएगी? देखिए बिल्कुल कॉटन में तेजी बन सकती है, क्योंकि इस बार हमने देखे हैं कि प्राइसेस रिकॉर्ड स्तर पर हैं, और इनफैक्ट पंजाब की मंडियों की अगर बात करें तो अभी अराइवल्स भी काफी स्लो देखने को मिल रहे हैं, पिछले 5 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ जितने अराइवल्स अब कम देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो परचेज की गई है सरकार की तरफ से वो भी काफी कम है, तो जो सिनेरियो क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब है इस वजह से, और मुझे लगता है कि अभी कॉटन के प्राइसेस जो है आगे चल के पिकअप हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए पिंक बोलवॉर्म का भी अटैक जो है कॉटन की प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें आता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली पंजाब के अंदर बठिंडा मानसा संगरूर जहां पर मेन बेल्ट है कॉटन की, तो वहां पर भी अभी ये जो है पिंक बोलवॉर्म ने अटैक किया है जिसकी वजह से क्रॉप जो है डैमेज होती हुई दिखाई दिया, ऑलरेडी अराइवल जो है वो अभी इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, अराइवल्स कम पहुंच रहे हैं मंडियों के अंदर, तो उसके चलते भी आगे आने वाले दिनों में प्राइसेस के अंदर बूस्टअप आ सकता है, क्योंकि अराइवल का प्रेशर की वजह से भी थोड़ा बहुत प्राइसेस गिरे जरूर हैं, लेकिन आगे चलकर नए हाई को छूते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो है कॉटन ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है 10,500 पर क्विंटल,
एक नवंबर के आसपास हमने ये पंजाब की मंडियों में ये भाव देखे थे, तो अभी फिलहाल जो है एक नए स्तर पर बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इंपैक्ट हो सकता है आपको 11,000 के भी स्तर देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि अभी सिनेरियो काफी पॉजिटिव है कॉटन के अंदर, अगर रखा हुआ तो बिल्कुल उसको होल्ड करके चला जा सकता है, आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। जी से रूपा जी, बात करें अगर शुगर की, चीनी की, तो हमने देखा है कि जो चीनी के जो प्राइसेस हैं वो 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। रूपा जी, खबरें हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में और यानी कि विदेशों में और भारत के अंदर चीनी का जो उत्पादन है वो बढ़ने की उम्मीद है, और ऐसे में अब ब्राज़ील हुआ, इंडोनेशिया हुआ, जो मुख्य उत्पादक देश हैं चीनी के, वहाँ भी अगर उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, तो कीमतें और कम होती नज़र आएंगी। ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या जिस हिसाब से एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के अंदर, क्या एथेनॉल चीनी के प्राइसेस में तेजी को कवर अप कर पाएगा, या फिर चीनी की कीमतें यूं ही निचले स्तर पर सिमट के रह जाएंगी? अगले देखिए, अभी चीनी की अगर बात करें तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बावजूद हमने कीमतों में तेजी आते हुए देखी थी। अभी पीछे जो प्राइसेस ऊपर गए थे, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं थी, प्रोडक्शन अच्छा खासा था, उसके बावजूद हमने प्राइसेस के अंदर तेजी आते हुए देखी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। और देखिए फंडामेंटल, अब जब प्रोडक्शन ही ज्यादा है और इतनी ज्यादा डिमांड है नहीं, तो डेफिनेटली प्राइसेस के ऊपर डाउनसाइड आना तय था, और इसी वजह से प्राइसेस जो है वो लुढ़कते हुए भी दिखाई दी। और काफी जगहों पर हमने देखा है कि जो मिलें बंद हो गई थी वो भी वापस से एक्टिव हुई है, तो अभी प्रोडक्शन को इंक्रीज होने के चांसेस है, और इसके चलते मुझे लगता है कि आगे चल के प्राइसेस जो है वो डाउन साइड में रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट भी एक्सपेक्टेड फिलहाल नहीं है। जी रूपा जी, रूपा जी, कुछ दर्शक हमारे साथ बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सरसों को अभी स्टॉक करके चलना सही रहेगा, या फिर थोड़ा थोड़ा माल निकालते भी रहें? एक बार दोबारा से दोहराइए प्रश्न। रूपा जी, कुछ दर्शक हमारे साथ बिल्कुल अभी भी जुड़े हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आया, मस्टर्ड सीड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सरसों को अभी इस समय स्टॉक करके चलना सही रहेगा, या फिर थोड़ा थोड़ा माल लिक्विडेट भी करते रहें लेवल्स पर? देखिए अभी थोड़ा बहुत लिक्विडेट डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अभी तेजी बन रही है तो थोड़ा सा एक हफ्ते तक वेट कीजिए, मुझे लगता है कि बाउंस बैक और बन सकता है, और उस तेजी के दरमियान जो है आप थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करके चल सकते हैं। रूपा जी, हमने तेल तिलन में, सरसों सोयाबीन में तो तेजी देखी है, लेकिन मूंगफली पीनट भी अब ऐसी बनती नजर आ रही है, हमने देखा है कि मूंगफली की भी जो डिमांड है अच्छी खासी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है आगे जाके मूंगफली और मूंगफली तेल की कीमतें क्या रह सकती हैं, आगे कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है मूंगफली के अंदर? देखिए मूंगफली में तेजी बन सकती है अखिलेश, अभी पीछे हमने प्राइसेस को बूस्टअप आते हुए भी देखा है, और आगे अब देखिए विंटर सीजन की एक डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि निकल सकती है, जिसकी वजह से अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है छुटमुट तेजी की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एडिबल ऑयल के अंदर अगर हम बात करें तो मूंगफली के तेल की कीमतें भी तेजी के साथ उठती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि विंटर सीजन की एक डिमांड है जो आगे इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, अभी बीच में खबर निकल के सामने आई थी कि पोल्ट्री उद्योग में पशु चारे के तौर पर ऑब्वियस ही बात है कि हरा चारा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो दूध उत्पादन है अच्छा देखने को मिल सके, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हो, लेकिन खबरें निकल के सामने आई कि हरे चारे की किल्लत देखने को मिल रही है, और जो सूखा चारा है उसकी भी जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही हैं। रूपा जी, ऐसे में अब एक ही प्रोडक्ट बचता है अपने पास, एक ऐसा ही उत्पाद बचता है, वो है बिनौला खल, DOC, सोया खली हुई, यानी कि जितने भी ऑयल के एक्सेंस है वही बचते हैं पशु चारा इंडस्ट्री के लिए, जिससे दूध का उत्पादन पशु चारा में, पशुओं में बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, हरे चारे की किल्लत होना और बिनौला खल का सप्लाई ठीक ठाक रहना, मार्केट में अवेलेबिलिटी अच्छी रहना, क्या ऐसे में आगे जाके जो खल हैं उनकी डिमांड और कीमतें बढ़ सकती हैं? देखिए बिल्कुल खल की कीमतें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, इसके ऊपर देखिए दोनों तरीके से ही इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, एक तो कॉटन की कीमतें तेज हैं और दूसरे अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रोडक्शन नहीं अच्छा हो, लेकिन प्रोडक्शन भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है बिनौला खल का, तो मुझे लगता है कि अभी जो आगे चलकर डिमांड फैक्टर जो हावी होते हुआ नजर आएगा उसका इम्पैक्ट कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते कीमतों में तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, यहाँ से बात करें अगर चावल की, राइस की, तो हमने
चालू वित्त वर्ष के शुरू के 7 महीनों में देखा है कि चावल का जो निर्यात है वो लगभग 5.2 अरब डॉलर बढ़ा है। रूपा जी, हम देखते हैं कि भारत चावल अच्छी खासे क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट भी करता है और कंजप्शन भी भारत के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। रूपा जी, खबर निकल के सामने आई है कि जो GI टैग है उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है उसको पंख लगते नजर आ रहे हैं, खासकर कि राइस के एक्सपोर्ट में को, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बासमती चावल है भारत का विदेशों में काफ़ी पसंद किया जाता है, खासकर खाड़ी देशों में। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से GI टैग के मिलने से चावल को निर्यात में काफ़ी अच्छी पहचान मिलती नजर आ रही है, तो क्या भविष्य में चावल की कीमतों में इजाफा भी देखने को मिलेगा? देखिए, प्रोडक्शन अच्छा खासा है, अभी जो बूस्टअप जरूर हमने आते हुए देखा है, 11-21 हो या फिर कोई भी बॉइल्ड राइस हो, किसी भी राइस की अगर हम बात करें तो सभी के अंदर अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दी है। वियतनाम से अच्छी खासी डिमांड भी निकलती हुई दिखाई दी है, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं हमारे, जो पहले जो हमारा जो चावल है वो पहले जो सऊदी कंट्रीज में जाता था उसके ऊपर जो बैन लगता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि वहां पर क्वालिटी को लेकर इशू उठे थे, उसकी पूरी चावल इंडस्ट्री जो है वो डाउन हो गई थी। अब उसके बाद छुटमुट खरीदारी हम कह सकते हैं कि वापसी से लौटी है, हल्की फुल्की डिमांड निकलते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते चावल की कीमतों के अंदर तेजी बनी है। अभी फिलहाल प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मंडियों के अंदर भी हमने देखा है कि अच्छी खासी बाइंग जो है ट्रेडर्स करते हुए दिखाई दिए हैं, एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप हो रहे हैं, वियतनाम से भी डिमांड निकली है, तो इसलिए आगे चलकर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल चावल के अंदर अब यहाँ पर बाइंग करके चला जा सकता है जी। रूपा जी, बात करें अगर वीट की, गेहूं की, तो गेहूं का बाजार आगे जाके कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, गेहूं के अंदर फिलहाल कोई बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, अच्छा खासा प्रोडक्शन है और मुझे लगता है कि वीट के अंदर सुटमुट आपको बाजार जो है अपसाइड में जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, एज यूजुअल प्राइजेस जो है बने रह सकते हैं, अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे चने के रेट कब तक बढ़ेंगे? देखिए, अभी चने के अंदर तेजी का मोमेंटम नहीं है, अभी दालों के अंदर दबाव है और देखिए आगे इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि अभी ये जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनके ऊपर अभी कंट्रोल रहेगा, उनकी कीमतें अभी फिलहाल बढ़ने वाली नहीं जी। ये से रूपा जी बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा में आपको क्या लगता है, मेंथा की डिमांड सप्लाई को देखते हुए मेंथा में आगे क्या प्राइसेस रह सकते हैं? मेंथा अभी देखिए डाउन है, मेंथा के अंदर अभी फिलहाल तेजी नहीं है, अखिलेश हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि मेंथा अभी अपसाइड मोमेंटम में नहीं है, क्योंकि छुटमुट अभी हमने पीछे देखा था कि कीमतों के अंदर तेजी आई थी और एक्सपेक्टेड भी था कि नवंबर महीने के आखिर में आगे जो है थोड़ा बहुत प्राइजेस जो है वो बाउंस ले सकता है और उसी के चलते थोड़ा बहुत प्राइजेस के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन इसमें उठापटक बहुत है, जब तक ये 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक लंबी तेजी इसमें बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, 900 से 1000 रुपए की तेज में के अंदर घूमता हुआ फिलहाल बाजार दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी, आपसे टॉपिक्स जानना चाहेंगे कि एग्री कम्योडिटीज में, कृषि जिन्सों में टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के लिए, जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर अभी फिलहाल जो है काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जो काफी उठापटक का माहौल दिखाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मसाले वहीं अपना अच्छा रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनिया अभी तेजी की तरफ जा सकता है, 9000 के ऊपर जैसे ही धनिया निकलेगा 9800 से 10000 का स्तर धनिया छूता हुआ दिखाई दे सकता है, धनिया में तेजी बन सकती है। सेम एज इट इज आपकी कैस्टर में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, तेजी कैस्टर भी तेजी में जा सकता है और वहीं ग्वार भी मुझे लगता है कि नीचे आने पर ग्वार में भी खरीदारी करनी चाहिए, ग्वार भी ऊपर जा सकता है। और सबसे बढ़िया आज कमोडिटी मुझे लग रही है सोयाबीन, सोयाबीन में तेजी बन सकती है, ऑलरेडी 4% तेज है तो 5-6% की तेजी सोयाबीन भी आज दिखाता हुआ नजर आ सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी वो कम्योडिटीज जिनके अंदर आज आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स TV पर।